हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका लॉ का पेपर अच्छा खासा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों से मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि सर पेपर बहुत अच्छा था। यस, पेपर लेंदी होता है, मानता हूँ। जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा आई थिंक 90-95 तो वो इजिली अटेम्प्ट कर पाए होंगे जो प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं हो पाता था। बिकॉज पेपर था ठीक ठाक, लेंदी पेपर था, स्पीड मेंटेन करना था स्टार्टिंग से। अगर स्पीड में लैग किए होगे तो कहीं ना कहीं 20-25 नंबर का पेपर आपका छूटा होगा। अदरवाइज पेपर वॉज गुड। सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दिया था आपने, यहाँ से कितने मार्क्स का पेपर लगा था? 30-35 मार्क्स का पेपर लगा था फ्रॉम 60 मार्क्स बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल लॉ ऑफ अफेक्शन का बोल सकते हो आप, नोवेशन रिसेशन अल्टरेशन का भी टॉपिक यहाँ से देखने को मिला था, ठीक है। LLP के टॉपिक्स लगे थे, एक्सपल्शन का टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिला था। फिर आपको कैबिट एम्प्टियर देखने को मिला था, राइट ऑफ रीसेल अनपेड सेलर क्या यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो मेरा ये मुद्दा नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा मुद्दा आज का है एक क्वेश्चन डिस्कस करने का जो ICAI ने एग्जाम में अभी जस्ट ये क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग टू OPC। सर क्या है OPC का क्वेश्चन, ठीक है। एंड प्लीज मैं ये बोलना चाहूँगा, ये वीडियो शेयर करना अपने फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ या फाउंडेशन फ्रेंड के साथ। एंड इसको फाउंडेशन एग्जाम से बाद इस पे जरूर गौर करना। सर क्वेश्चन क्या था, एंड एक रिक्वेस्ट है ICAI जो पेपर ये सेट कर रहे हैं, माना कि आप पास्ट ईयर उठा के फाउंडेशन में पूछते हो, एक्सेप्ट करता हूँ, बट ठीक है उन चैप्टर्स को पढ़ो जहाँ पे अमेंडमेंट्स नहीं है। लाइक SOGA हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एंड LLP भी अभी अमेंडमेंट्स आने बहुत हो गए, कंपनीज आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछो रिपीटेड क्वेश्चंस, बट कंपनीज एक्ट से रिपीटेड क्वेश्चंस थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो। एग्जामिनर्स को बोलना चाहूंगा, सर क्वेश्चन क्या था, मिस्टर अनिल फॉर्म द OPC ऑन 16 अप्रैल 2018 फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स, द टर्नओवर ऑफ द OPC फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019। मेरे को ये टाइम लिमिट देखते ही लग गया कि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, एंड उसके बाद OPC में अमेंडमेंट आए थे, ठीक है। तो मेरे को लगा कि एग्जाम जिसने क्वेश्चन सेट किया होगा उन्होंने पुराना क्वेश्चन उठाया हो कहीं RTP MTP का, एंड वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसका, हाँ ठीक है, टर्नओवर कितना था, 2.25 करोड़। सुनील इन्वेस्ट इन टू ए OPC, सो डिसाइडेड टू कन्वर्ट इन वॉलेंट्री इन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कैन अनिल डू सो। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ICAI का ही था, बट उसके बाद अमेंडमेंट आया। तो क्या सर ये जो आंसर था इसका, ये ओमिट हो गया था, प्रोविजन हट गया था? यस सर, कहाँ है लिखा है प्रोविजन हट गया था, सुनो। सबसे पहले देखो इसका आंसर देखो, ये डिट्टो मेरे क्वेश्चन बैंक में था, मैंने बाद में स्टूडेंट्स को इसको कट करवाया था, एंड सारे स्टूडेंट जो मेरे फेस टू फेस बैच में या ऑनलाइन मोड में थे मैंने सबको बोला है कि ये ओमिट हो चुका है, प्लीज बच्चा इसको हटा दो। बिकॉज वो कंफ्यूज हो रहे थे, बिकॉज बोला सर आपने पढ़ाया ही नहीं। तो भाई हम लेटेस्ट बैच में हैं, हम अपना कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं जहाँ पे भर भर के अमेंडमेंट्स होते हैं, तो ये चीज़ हट गई है, तो पढ़ा के और कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना। कल हो के आप पूछोगे स्मॉल कंपनी का पुराने वाला लिमिट जहाँ पे 50 लाख और 2 करोड़ रुपीज था, तो सर आपको एग्जामिनर आपको भी थोड़ा ना पेपर सेटर को थोड़ा को मेहनत करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने बच्चों से कटवा दिया था, ठीक है। RTP पहले बुक बनाया था तो था ये क्वेश्चन, फिर मैंने कटवा दिया, बोला कि ओमिट हो गया था, मैंने पढ़ाया भी नहीं था। सर था क्या, एज पर Rule 3 Clause 7, ठीक है, ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन इतना 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 OPC कैन कन्वर्ट इन टू इतना इतना अनलेस 2 ईयर्स हैव एक्सपायर्ड। ये जो रूल है ना 3 Clause 7 देख रहे हो ना आप, ये पूरा का पूरा ओमिट कर दिया गया था 31 मार्च 2021 के बाद, एप्लीकेबिलिटी हट गई थी जो कि आप देख रहे हो Rule 3 Clause 7 पूरा का पूरा ओमिट काटा हुआ है। बेयर एक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, पूरा का पूरा काटा हुआ है। सर बेयर एक्ट की बात छोड़ो, क्या ICAI ने ये चीज किया था? सर देखो आइए, ICAI का RTP है जहाँ पे वो अपने अमेंडमेंट्स निकालते हैं, ठीक है, एंड वहां पे भी उन्होंने क्या किया, ओमिट है। ओमिट मतलब क्या हुआ, हटा दिया गया है। क्या था सर, कन्वर्जन ऑफ OPC टू अदर कंपनी, OPC कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी टू एनी कंपनी अनलेस 2 ईयर्स हैव बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 से ये प्रोविजन हटा दिया गया। तो ये कैसे एग्जाम में आ गया, मतलब एग्जामिनर ने क्या किया, ये मई RTP मई का क्वेश्चन देखा, सोचा कि चलो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, क्या ही पता चलेगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स घूमेंगे इसमें एंड 4 नंबर का कट हो जाएगा। बिल्कुल गलत सर। देखो जिसने भी बस बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं किया पता नहीं, बट ICAI इसको कैसे ट्रीट करता है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत था, ये पूछने का क्वेश्चन नहीं था। आप OPC का अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते थे कि 122 डे 120 डेज वाला पूछ सकते थे, बट नहीं पूछेंगे बिकॉज उन्होंने पिछले बार पूछ दिया तो रिपीट तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने OPC का अच्छा क्वेश्चन निकाल दिया पुराने का, एंड वो अच्छा क्वेश्चन तो था बट भाई साहब ये ओमिट हो चुका है। अब जब ये सेक्शन पढ़ना ही नहीं है, जब हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है, जब बच्चे ने ये बुक में देखा ही नहीं है, जब आपने भी RTP में इसको ओमिट कर दिया है, तो इसका क्वेश्चन आ कहाँ से गया? एंड बच्चा इसके वजह से क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। बच्चे टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, आपने तो पढ़ाया ही नहीं, आपने तो कटवा दिया था।
तो ये कहाँ से आ गए? तो वही एक क्वेश्चन है मेरे पास कि सिंपल सी बात, क्या इसके मार्क्स अलॉट होंगे एंड होने भी चाहिए? एंड इसके मार्क्स के मैं, चलो ठीक है सर, आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चों को 4 मार्क्स तो ग्रेस दो, गलत क्वेश्चन है ये मैं मान रहा हूँ, आपका खुद का आरटीपी का बोला हुआ है ये क्वेश्चन, आपने ओमिट किया हुआ है देन, एंड इसके वजह से बच्चा कंफ्यूज हो गया इस पेपर में, तो चलो वो तो बात ही बात है, बट आगे से ऐसे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। फाउंडेशन लेवल पे 4 मार्क्स का ये डिक्टो क्वेश्चन जो आपने आरटीपी से उठाया, थोड़ा सा इसमें आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी, तो थोड़ा सा आपको लेवल्स को ठीक करना पड़ेगा। सेम ऐसे फाइनल्स में गलती बहुत हुई है, ठीक है? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, एक 4 नंबर का ग्रेस तो होना चाहिए, ये इश्यू एग्जाम के बाद ही उठाना ज्यादा बेटर होगा। बट यस, जिस बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, नहीं भी अटेम्प्ट हुआ कोई बात नहीं, 4 मार्क्स तो एटलीस्ट ओमिटेड सेक्शन से बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है? चलो अब इस पे दिमाग मत लगाना, मैथ्स का पेपर फुल्ली फोकस करो, 2 पेपर और है उसके बाद इस मुद्दे को देखेंगे। चलो ऑल द बेस्ट।